मंगलवार को नाग विदर्भ चैंबर्स की ओर से दुकानों का जायजा लिया गया, जिस दौरान उन्होंने दुकानदारों द्वारा नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं उसकी समीक्षा की। प्रशासन द्वारा 31 मई तक सख्त लॉकडाउन में केवल जीवनावश्यक व अत्यावश्यक वस्तुओं की दुकानें जैसे किराना, सब्जी, फल, डेयरी, मेडिकल को ही सुबह 7 से 11 बजे तक की छूट दी गई थी, बाकी सभी दुकानें बंद थी। अब सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक नॉन एसेंशियल स्टैंड अलोन अर्थात एकल दुकानें भी खुली रहेगी। ये दुकानें सप्ताह में शुरू के 5 दिन खुलेगी। शनिवार और रविवार केवल अत्यावश्यक दुकानों को दोपहर 2 तक खोलने की अनुमति रहेगी, शेष दुकानें बंद रहेगी। हालांकि ये दुकानें खुलने के साथ ही कहीं न कहीं कोरोना संक्रमण बढ़ने की भी आशंका है, जो ना हो इसलिए नाग विदर्भ चैंबर की ओर से मंगलवार को सभी दुकानों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने दुकानों में नियमों का उचित तरीके से पालन हो रहा है या नहीं इसकी समीक्षा की। जैसे कि कल मार्केट खुला और हमने सबसे आह्वान करा था कि कोई भी अपने दुकान का सामान बाहर नहीं निकालेगा और अपनी दुकानों में मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर का प्रयोग करेगा, लेकिन मैंने अभी सर्वे करा, मैं गांधीबाग क्षेत्र में हूँ, यहाँ काफ़ी दुकानदार ने पुतले बाहर रखे थे जो कि हमने भी अंदर कराए, उनको समझाए। अगर यूँ ही चलते रहा तो शायद NVCC को खुद को प्रशासन को बोलना पड़ेगा कि आप इन दुकानों पे कार्रवाई करो जिनके कारण लॉकडाउन लग सकता है वापस से। जो गलत आदमी है उन पे कार्रवाई की जाए ताकि जो नियमों का पालन कर रहे हैं वो व्यापार कर सके। अब नागपुर शहर में कम से कम 8 से 10 हज़ार रुपये का पूरे 55 दिन में नुकसान हुआ होगा, सभी क्षेत्र सभी व्यापार मिल के। मैं सभी व्यापारियों को संदेश देना चाहूँगा, राज्य सरकार हमसे कुछ बहुत ज़्यादा नहीं मांग रही है। जो कोरोना के नियम है उसमें 3 मुख्य बातें हैं, आपको मास्क पहनना है जो आपको 95% सेफ कर देता है कोरोना वायरस से, आपको हाथ को नियमित रूप से धोना है, सैनिटाइज करना है और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग रखना है। ये 3 बातों का आप ध्यान रखिए, कोरोना बढ़ नहीं सकता और हमारा व्यापार सुचारू रूप से चलेगा। कल मैंने हमारे सदस्य है जो जागनाथ रोड मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष रितेश जी मोती, उनसे रात को मेरा बात भी हुआ। उन्होंने गांधीबाग एरिया में मेरे को 3 जगह मुहैया कराने की परमिशन दी है कि मैं आपको ये करा के दूंगा। हम NMC प्रशासन से वहाँ पर 18 वर्ष से ऊपर के आयु के लोगों के लिए वैक्सीनेशन के लिए निवेदन दे रहे हैं ताकि हमारे बच्चे, हमारे एम्प्लॉयज़ ये सब जल्दी से जल्दी वैक्सीनेटेड हो सके। और गांधीबाग एक डेंस शहर है, यहाँ काफ़ी सारे व्यापारी एम्प्लॉयज़ करके एक जगह नहीं हो सकता करके, उसके लिए यहाँ की यही क्षेत्र में 3 से 4 सेंटर बनाने की व्यवस्था कर रहे हैं। BCN समक्ष बात करते हुए NVCC के अध्यक्ष अश्विन मोहाड़िया ने बताया कि जब उन्होंने दुकानों का दौरा किया तब कुछ दुकानदारों द्वारा नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था, तब उन्हें उन्होंने समझाया और नियमों का पालन करने को कहा। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़ नागपुर।